नमस्कार, स्वागत है आपका द एंगल पर। मैं आपके साथ नीलम पैन्यूली। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद रैली को किया संबोधित। नागरिकता कानून पर विपक्ष पर जमकर बोला हमला। देश में जारी हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए आरोप। कहा सरकार अर्थव्यवस्था, रोजगार और किसानों के मुद्दे पर फेल। CAA और NCR के विरोध में राजधानी जयपुर में निकला शांति मार्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान में लागू नहीं होगा नागरिकता संशोधन कानून और NRC। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 12वीं कक्षा का परीक्षा कार्यक्रम। 5 मार्च से 3 अप्रैल तक होंगे एग्जाम। 8 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पद के लिए हाल ही में हुए मतदान का परिणाम जारी हो गया है। अशरफ गनी ने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार अब्दुल्ला अब्दुल्ला को हराकर दोबारा राष्ट्रपति के पद पर कब्जा जमा लिया है। गनी को कुल 9,23,868 मत मिले, वहीं अब्दुल्ला अब्दुल्ला को 7 लाख से अधिक मत मिले। भाजपा की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में धन्यवाद रैली आयोजित हुई। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विविधता में एकता भारत की विशेषता है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए, वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए। संसद में स्पीकर के सामने कागज फेंकती थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी आज इस बात से भी तिलमिलाए हुए हैं कि आखिर क्यों मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर मुस्लिम बहुल देशों में इतना समर्थन मिलता है, क्यों वो देश मोदी को इतना पसंद करते हैं। मोदी ने कहा कि मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि मोदी को देश की जनता ने बैठाया। ये अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मोदी को गाली दो, विरोध करो, मोदी का पुतला जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में हजारों लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। RSS और BJP की ओर से आयोजित की गई इस तिरंगा यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में गडकरी ने कहा कि हमारी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और कुछ विपक्षी दल देश में नागरिकता कानून को लेकर डर पैदा कर राजनीति कर रहे हैं। गडकरी ने लोगों से अपील की कि वह सोशल मीडिया पर कानून से जुड़ी सत्यता को शेयर करें, जिससे कि लोगों का भ्रम दूर हो सके। देश में लगातार नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कर्नाटक के मंगलुरु में इस कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे। इस प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वह मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। इसके अलावा हिंसा की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नर सिंधु रूपेश को आदेश दिया है कि वह पीड़ितों के परिवार को मुआवजा दे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में हो रही हिंसा को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा अर्थव्यवस्था, रोजगार और किसानों के मुद्दों पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है, इसीलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए दंगे फैलाए जा रहे हैं। दंगों से भाजपा को फायदा होता है। आज यही लोग सत्ता में हैं, इसीलिए दंगे भड़काए जा रहे हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून देश के संविधान का उल्लंघन है, इसलिए सपा इसका विरोध कर रही है। हमने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया, हिंसा भाजपा के इशारे पर की जा रही है। CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने वालों की पहचान के लिए यूपी पुलिस सख्त हो गई है। उनकी पहचान करने के लिए गाजियाबाद के लोनी में पोस्टर लगाए गए हैं। चौराहों पर लगे इन बड़े बड़े पोस्टरों में उपद्रवियों की तस्वीरें हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे तस्वीरों में चिन्हित उपद्रवियों की पहचान कर उनकी जानकारी दें। पुलिस ने यह आश्वस्त किया है कि जानकारी देने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने LOC के साथ नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी शुरू कर दी। पाक सेना ने इस दौरान मोर्टार भी दागे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है।
दो दर्जन से अधिक विधायक, सांसद और मंत्री लेखपालों की मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख रहे हैं। दूसरे दलों के भी कई विधायकों ने लेखपालों के समर्थन में पत्र लिखा है, लेकिन अफसर आंदोलन को खत्म कराने की जगह लेखपालों के उत्पीड़न की कार्रवाई में जुटे हैं। आंदोलन लंबा खींचने का असर आम लोगों के कामकाज पर पड़ रहा है। राज्य मंत्री समाज कल्याण, अनुसूचित जाति व जनजाति विकास डॉक्टर जीएस धर्मेश व राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम चौधरी उदयभान सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में लेखपाल संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात का हवाला देते हुए कहा है कि इनकी मांगे वास्तविक परिस्थितियों में कार्य के बढ़ते बोझ के कारण उचित प्रतीत होती है। उन्होंने इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। CAA और NRC के विरोध में राजधानी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में शांति मार्च निकाला गया। इस शांति मार्च में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शांति मार्च अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक निकाला गया। शांति मार्च में कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों के नेता, सिविल सोसाइटीज के प्रतिनिधि और हजारों लोग शामिल हुए हैं। शांति मार्च में इनके अलावा सिविल सोसाइटीज, NGO, व्यापार मंडलों, कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि एवं सदस्यों समेत हजारों लोग शामिल हुए। शांति मार्च के दौरान JLN मार्ग पर हजारों की तादाद में लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए थे। हजारों लोगों की इस भीड़ ने शांतिपूर्वक CAA और NRC के विरोध में शांति मार्च निकाला। इस दौरान देशभक्ति और महात्मा गांधी से जुड़े गीत भी गूंजते रहे। शांति मार्च के साथ हजारों की तादाद में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहे। नागरिकता संशोधन कानून और NRC को राजस्थान में लागू नहीं किया जाएगा। CM अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में संविधान बचाओ शांति मार्च के बाद गांधी सर्किल पर आयोजित सभा में इसका ऐलान किया। CM अशोक गहलोत ने कहा कि वे पहले ही घोषणा कर चुके हैं, राजस्थान में ना NRC लागू होगी और ना ही CAA। गहलोत ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाने साधे। सभा को संबोधित करते हुए CM अशोक गहलोत ने कहा, आप बहुमत से कानून बना सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकते। अकेले UP में 15 लोग मारे गए, गोली वहीं चल रही है जहां BJP की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि असम में NRC फेल हो गई, वहां NRC में 16 लाख हिंदू बाहर हो गए। अब नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए, यह अव्यवहारिक है। यहां से अनुधान तक पब्लिक का मेला चल रहा हो, उसको क्या पड़ेगा मोदी जी को, समझना पड़ेगा अमित शाह जी को, नाना साहब स्वास्थ्य जी प्रवर लेने के लिए चाहता है। ये जैसा लोकतंत्र में प्यार थे, मोहब्बत थे, भाईचारे थे, बहुमत थे। आप कानून बना सकते हो, बहुमूल्य लोग नहीं जीत सकते। सवाल हिमाचल का पैदा हो गया है, पूरे देश में आग लगी हुई है, 15 लोग तो खाली UP मारे जा चुके हैं। किसे कहते हैं एक आदमी को मारना, किसे कहते हैं 15 लोग खाली UP में, और गोली वही चलती है जहाँ सरकार BJP की है। सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी CM सचिन पायलट ने कहा कि आज पूरे देश में हर जगह लोग सड़कों पर हैं। संख्या बल के आधार पर आप कानून बना सकते हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं कर सकते। पायलट ने कहा कि नागरिकता कानून में पहले भी संशोधन हुए हैं, लेकिन क्या कारण है कि इस बार लोग इसके खिलाफ सड़कों पर हैं? केंद्र को बहुमत का सदुपयोग करना चाहिए था। PCC में पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देवपुरा की पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी जनों ने भी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आज हालात बहुत गंभीर बन गए हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, उन लोग भावनाओं को समझें, इसको निरस्त करें और ये विश्वास दिलाएं देश के लोगों को, अगर कोई अवैध शरणार्थी है, अवैध इमिग्रेट है, अवैध घुसपैठिए है, उस तक कार्रवाई सीमित करेंगे। उसमें किसी देश को, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, किसी को एतराज़ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं होगा। ये घोषणा करें जो अवैध घुसपैठिए देश में आ गए हैं, उससे हमें चिंता है, हम उसको रोकना चाहते हैं। पूरा मुल्क उनके साथ रहेगा। उसकी बजाय आपने, क्योंकि आप आसाम में फेल हो गए, आसाम में 19 लाख लोगों का शरीर हो गया निकालने के लिए, मालूम पड़ा 19 लाख में 16 लाख हिंदू है। आज वहाँ पर कांग्रेस बीजेपी तमाम लोगों ने क्यों उसको रोक दिया, क्यों वहाँ रिवोल्ट कर रहे हैं, क्यों वहाँ खिलावत कर रहे हैं उसकी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षाएं 5 मार्च 2020 से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेंगी। बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि सभी परीक्षाएं प्रातः 8:30 से 11:45 के सत्र में होगी। परीक्षा में 8,70,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। पहला पेपर 5 मार्च को अंग्रेजी अनिवार्य विषय का होगा। परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सेकेंडरी की परीक्षा का परीक्षा कार्यक्रम सोमवार को जारी किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ द एंगल पर। नमस्कार।